जय यीशु की, प्रभु की स्तुति हो। चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नए वचन के साथ। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी से कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचने पाए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो, आज का वचन हम स्टार्ट करते हैं। और जो वचन आज हमने चुना है वो है इफिसियो उसके पहले अध्याय का 13वां और 14वां पद। इस प्रकार लिखा है दोस्तों, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बनाया है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। तो दोस्तों, अगर आज के पद पर और आज के वचन पे हम थोड़ा विचार करें तो दोस्तों, परमेश्वर अपने वचन के प्रति हमेशा सच्चा और खरा है। वह अपने वायदे हमारे सामने रखता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों इतना काफी नहीं था, ना है। उसने हमें एक डाउन पेमेंट, एक जमा राशि, जी हाँ दोस्तों, ये जमा राशि डाउन पेमेंट अभी आपको पता लगेगी आगे, उसने हमें एक डाउन पेमेंट, एक जमा राशि दी है ताकि हम अपनी विरासत के बारे में सुनिश्चित हो सकें और अपने उद्धार की पूर्ण प्राप्ति की प्रतीक्षा कर सकें। उसने हमें पवित्र आत्मा, जी हाँ दोस्तों, यह है वो जमा राशि, यह है वो डाउन पेमेंट, उसने हमें पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक दिया है। जब परमेश्वर हमें हमारे नश्वर शरीरों की गुलामी से खरीदता है और हमें हमारे अनंत घर, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा असली घर है, हमें हमारे अनंत घर में ऐसे शरीरों के साथ में पहुंचाएगा जो ना तो कभी बूढ़े होंगे और ना ही सड़ेंगे। तो हमें जमा की राशि की हुई कोई आवश्यकता नहीं होगी, हमें पूरी विरासत मिलेगी। लेकिन कब दोस्तों? जब तक हम उसके पास नहीं आते। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वह हमारे भीतर वास करता है दोस्तों? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर वास करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने असली घर, हम अपने अनंत घर के लिए, जो हम परमेश्वर के साथ में हम जाकर के रहेंगे, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए और परमेश्वर के नजदीक आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो यह आज का था विचार और आज की प्रार्थना में मेरे साथ शामिल होइए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और हमेशा निकट रहने वाले परमेश्वर, मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए, प्रतीक्षा ना हो करने के लिए तेरा धन्यवाद हो। मुझे तेरी दिव्य महिमा का पूर्व स्वाद देने के लिए तेरा धन्यवाद हो। मुझ में रहने के लिए अपनी धन्य और प्रतिज्ञा की हुई आत्मा को भेजने के लिए तेरा धन्यवाद हो। और मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरा घर वास्तव में कहाँ है। जब तक मैं आपको आमने सामने नहीं देखता, तब तक मैं अपने शरीर में आपकी उपस्थिति का सम्मान करना चाहता हूँ और एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो शुद्ध हो और पवित्र हो और तुझको पसंद आने वाला हो और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप अपना ख्याल रखिए।